इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। ग्वालियर में नगर निगम के कर्मचारी 4 दिनों से हड़ताल पर है। उनके हड़ताल का 4th दिन है। ऐसे में हड़ताल कर रहे नगर निगम के कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। उन्होंने आज सुबह नगर निगम के वाहन नहीं चलने दिए। इतना ही नहीं, कर्मचारी नगर निगम की गाड़ियों के आगे लेट गए। दरअसल ग्वालियर नगर निगम में चीन की कंपनी इको ग्रीन कंपनी अपनी सेवाएं दे रही थी। उस कंपनी ने इन कर्मचारियों को अपने यहां भर्ती किया था, लेकिन कंपनी अचानक भाग गई। इसके बाद ये कर्मचारी नगर निगम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इनका आरोप है कि पिछले 3 महीने से इन्हें वेतन नहीं दिया गया, जबकि इनसे बराबर काम लिया गया है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों का आरोप है कि उनके पीएफ में भी बड़ा घोटाला हुआ है। उनके वेतन में पीएफ की कटौती की गई, लेकिन 36 महीने से उनका पीएफ ही जमा नहीं हुआ। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्वालियर दक्षिण, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग डिपो पर नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल करते हुए नजर आए। नगर निगम के कर्मचारी की हड़ताल से निगम के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हड़ताली कर्मचारियों को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश है अभी तक बेनतीजतन साबित हुई है। साफ तौर पर नगर निगम के 485 कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में ग्वालियर शहर में सफाई व्यवस्था से लेकर शहर के अन्य कामकाज प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों पर पुलिस के द्वारा हड़ताल खत्म करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। ग्वालियर के लक्कड़खाना नगर निगम डिपो पर प्रदर्शन कर रहे हड़ताली कर्मचारी जब तक हमारा पेमेंट नहीं आ जाएगा, 3 माह का पेमेंट, 38 माह का पीएफ हमारा नहीं आ जाएगा, तब तक वही हड़ताली जारी रहेगी। आज किस तरह से प्रदर्शन किया आपने? प्रदर्शन गाड़ी बंद की है, अपन ने गाड़ियों को रोका है, हाथ जोड़ निवेदन किया, शांतिपूर्वक किया है और बात मानी लोगों ने, और अच्छी लड़ाई है, क्योंकि लड़ाई थोड़ी बेकार है। अच्छा, कब तक ये अधिकारी आप तक प्रेशराइज कर रहे हैं? सुना है पुलिस फोर्स भेज रहे हैं आपके पास। बिल्कुल सर, ये झूठी अफवाह फैला के पुलिस फोर्स भेज रहे हैं। रात को परसों 11 बजे तक टीआई साहब को प्रश्न किया लोगों ने। टीआई साहब बगल में खड़े हैं, फिर भी कैसा गाड़ियाँ फोड़ रहे हैं, उदम कर रहे हैं, रोड पर चक्का जाम कर रहे हैं। टीआई साहब बगल में ताप रहे हैं, बगल में वो भी कह रहे हैं सामने खड़ा हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान नहीं है। तो ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं। तो
क्या लगता है अब आगे क्या लड़ाई, आगे जब तक सब आगे जमीन लेवल पूरी लड़ाई रहेगी, जब तक तनखा पेमेंट नहीं आएगा इसी से हम गाड़ियाँ रोकेंगे, गाड़ियाँ पीएफ और तनखा दोनों नहीं आएंगे तो हम उसी से गाड़ी रोकेंगे। और हम तो इनसे ये कह रहे हैं, हमको एक लाइन लेटर लिख के दे दो कि आए से आपको हमने आउटसोर्स में मतलब कर दिया गया, वो लेटर भी लिख के दे, वो भी स्वीकार कर लेंगे हम लोग कि हम मर्जी से नहीं जाएंगे। इनका कहना मतलब ये है कि अब डायरेक्ट कागज ले, डायरेक्ट भर्ती ले लो, वो भर्ती हम डायरेक्ट हम लेना नहीं चाहते, ये अपने माध्यम से भेजे हम लोग जाने तैयार। क्या नाम रवि कुशवाहा है, वाहन चालक दक्षिण विधानसभा। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।